नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ साईं संजीवनी के सबसे छोटे पेशेंट से और वो है सानवी। सानवी सिर्फ 2 साल की है। 2 साल के अंदर इस छोटी सी बच्ची ने काफ़ी कुछ सहा पैरालिसिस की वजह से। पैरालिसिस सानवी को हुआ था चोट की वजह से। सानवी गिर गई थी फ्लोर से, तो जब इसके सिर पे चोट लगी, अंदर ब्रेन हैमरेज हुआ, चोट आई और उसके बाद जो उसकी रिकवरी थी, जो रुक गई थी कहीं पर, कहीं खो गई थी, बच्चे के जो माइलस्टोन होते हैं, जो बच्चे का चलना होता है, जो बच्चे का बोलना होता है, वो भी पीछे रह रहा था। बेसिकली माइंड ब्रेन की जो डेवलपमेंट थी वो कहीं स्लो डाउन हो गई थी, रुक सी गई थी। तो बच्चे में जो आप देखते हो कि बच्चा एक टाइम के बाद बोलना शुरू करता है, वो फिर एक वर्ड से दूसरे वर्ड्स बनाता है, वो सब चीज़ मिसिंग था सानवी के अंदर। सानवी को ट्रीटमेंट देते हुए 1 मंथ हुआ है और 1 मंथ के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो अब सानवी की मम्मी आपको बताएंगे। तो सानवी को दिक्कत शुरुआत कैसे हुई थी? सर, जब ये 9 मंथ्स की थी, ये 2nd फ्लोर से गिर गई थी और गिरने से इसकी जो बोन है वो फ्रैक्चर्ड हो गई थी। फ्रैक्चर्ड होने से अंदर क्लॉथिंग हुई और अंदर ब्लीडिंग हुई, इंटरनल ब्लीडिंग हुई। तो इसको हम फिर एम्स लेके गए जहां उन्होंने इसको ऑपरेट किया। ऑपरेट करने से इसके एक आर्टिफिशियल ड्यूना नाम का कुछ प्लेट होती है वो इस पर फिट की गई, तो जो शायद टाइम के साथ वो उसके साथ तो मतलब हाँ वो एब्जॉर्व मतलब हाँ वो नॉर्मल अपनी शेप में आ जाती है। फिर सर उसके बाद उससे इसको ये इफेक्ट हुआ कि इसका 1 साइड लेफ्ट साइड पूरा पैरालाइज हो गया। पैरालाइज होने से जो वर्किंग है वो बिल्कुल बंद हो गई और ये हाथ पैर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी। यूज़ किया, इवन ये बेड पे थी 3 मंथ्स 4 मंथ्स ये बेड पे थी। उसके बाद हमने इसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवाई जिससे ये हल्का 6-7 मंथ से थोड़ा थोड़ा चलने लग गई, चलने लग गई। उसके बाद 8-9 मंथ्स में ये थोड़ा सा इसकी हैंड में थोड़ी सी मूवमेंट ये थी कि हल्का सिर्फ इतना उठाती थी। वैसे तो ये ऐसे ही रहता था पर ये थोड़ा सा उठाने लग गई। उसके बाद फिर वही प्रोसीजर चलता रहा, हम इसकी थेरेपी इसकी कंटिन्यू रही और फिर हम यहाँ आए। हमें किसी ने बताया भी और हमने यूट्यूब में सर के बहुत सारे वीडियोज़ देखी और उससे हम इतना हम लोगों को हुआ कि नहीं, हमें एक बार जाना है साईं संजीवनी आए हम। और जब हम वहाँ यहाँ आए तो हम अभी हमें सिर्फ 1 मंथ हुआ है इसकी मेडिसिन चलाते हुए और हमने इसमें इम्प्रूवमेंट्स देखने शुरू हो गए। क्या इम्प्रूवमेंट देखे आप? हमने ये इम्प्रूवमेंट्स देखे, जो इसका हाथ ऐसे से ऐसे था अब ये ऐसे हो गया है और पहले से बेटर, और चलने में जो इसकी फीट ऐसी थी वो हल्की ऐसी हो गई है और सीधी हो गई है। मतलब ये ऐसे था इसकी फीट, अब ये ऐसी हो गई है। और बाकी हाँ, और जो फिंगर्स हैं हाथ की वो पहले मतलब ऐसे रहती थी या ऐसे हाथ था, अब ग्रिपिंग के लिए ये ऐसे उठाती है। और बोलने में क्या फर्क है पहले? और बोलने में इससे सबसे मैं तो कहूँ सबसे 30 डेज में जो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया वो बोलना था। मतलब 30 डेज पहले ये था कि ये सिर्फ मम्मा पापा आजा ये इतने वर्ड्स पे थी, अब ये मम्मा आओ शूज लाइट्स ऐसी छोटी छोटे वर्ड्स ये मतलब एक सेंटेंस फॉर्म में बोलने लग गई हैं। हाँ, तो अब हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ आए और अब होपफुली कि अब जितना टाइम लगे जैसा टाइम लगे और बस अब यहाँ से चल रही है मेडिसिन इसकी और सानवी ठीक हो जाओ बेटा, ठीक हो जाए। जंप करो, जंप करो। मुझे फ्लोर प्लैंग कैसे होता है?